हेलो गाइस, गुड जी आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो आप सभी लोगों को बता दो कि आज मेरे छोटे वाले बच्चे का जो है बर्थडे है, तो मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ और मुझे सेलिब्रेशन जो है घर ही पे करना है। तो इसके लिए मैं क्या हुआ कि खोया मुझे मिल गया, दूध वाले अंकल से मैंने मंगाया था तो उन्होंने मुझे ला के दिया, तो अच्छा खोया था फिर मैंने घर ही पे बना लिया। और गाइस, मैं बहुत हल्के हाथों से इनको बना रही थी क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा फूल गए थे और साइज़ भी बड़ा था, इसके लिए फटने का डर था। तो मैं बहुत हल्के हाथों से इसको बना रही थी। तो आप सभी लोगों से या यूट्यूबर फैमिली से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए आप सभी लोग। तो मेरे बाबू का बर्थडे है और गाइस अभी वो सब लोग, दोनों बच्चे मेरे स्कूल गए क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम आएंगे देके तो देखिएगा उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा क्योंकि हमने बताया ही नहीं कि हमको गुलाब जामुन बनाना है और मैंने ये चीज़ जो है छुपा के रखी थी। तो गाइस ऐसे ही बनाते बनाते मेरे जो क्या बोलते हैं बच्चे आ गए, ये देखिए दोनों लोग बैलून फुला रहे हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। इनको कब लग रहा है कब शाम हो तो केक आए तो हम केक काटें। ये इन लोगों को, मैं किचन में थी, किचन का काम छोड़ के देखने जाती थी क्या कर रहे हैं, डर भी लगता है बच्चे। और साग पनीर रखा है, ये मिक्स वेज है और बाकी सब्जियां फ्राई करके रख लिया। और ये रायता, हमारे यहाँ गाइस बिना रायते का खाना, फंक्शन जो भी है, बर्थडे, शादी की सालगिरह, हर चीज़ अधूरा है। अरे मैंने थोड़ी सी पनीर हटा के रख दी, सुबह हस्बैंड के लिए पनीर भुजिया बना दूँगी, टिफ़िन में फटाफट हो जाएगा, उसके लिए मैंने ऐसे निकाल के बाहर थोड़ा सा रख दिया। फिर ये बच्चों ने हमारा टेबल साफ़ कर दिया, सॉरी टेबल तैयार कर दिया, इधर बैलून वगैरह लगा दिए। तो दोनों बच्चे, किसी का ठिकाना नहीं था, और इनके पापा आ गए, हो गए थे लेट, आ गए तो ये लाए हैं केक, क्योंकि जब तक बच्चे केक नहीं देख लेते हैं उनको संतुष्टि नहीं मिलती है कि बर्थडे है कि क्या है। मैंने थाली आरती की सजा के रख ली। वाओ गाइस, केक तो बहुत अच्छा था, तो बच्चों को भी बहुत पसंद था, हस्बैंड ने ऑर्डर करके बनवाया था। तो गाइस ये ज़्यादा लंबा हमने ब्लॉग नहीं रखा और बस दो ही फैमिली थी जो कि हमने बाबू का बर्थडे सेलिब्रेशन किया है। देख लीजिए, खुशी देख लीजिए, और किसी का भी बच्चा हो उसका बर्थडे होता तो उसकी खुशी अलग ही होती है। पापा उनकी केक कटवा रहे हैं क्योंकि अपने पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं भी उससे रहती है इस तरह मैंने। और ये मेरे छोटू का दोस्त है अक्षर, और इधर भैया भाभी सब लोग पीछे खड़े हैं, कैमरे के पीछे हैं क्योंकि उधर उतनी जगह थी नहीं, तो बाकी सब लोग पीछे खड़े हैं। और ये कैंडल क्या कहते हैं गाइस मुझे नहीं मालूम, इससे मुझे बहुत डर लगता है, जलता है, मुझे बहुत डर लगता है। तो गाइस आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? बाय बाय।